हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रागिनी और आज है फिर से संडे रेसिपी का दिन। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलसी के पराठे की रेसिपी। जी हाँ, अलसी जिसे लोग तीसी के नाम से भी जानते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर अलसी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। लोग इसे सर्दियों में ज़रूर इसका सेवन करते हैं। सर्दियों में हमें हमारी बॉडी को वार्म रखने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए अब मैं शेयर करती हूँ इसके पराठे की रेसिपी। तो मार्केट से मुझे ये एक पैकेट में मैं इसको लेकर आई थी, तो इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो इसलिए मैंने इसको छन्नी की मदद से अच्छे से छान लिया है ताकि कुछ भी डस्ट हो तो वो निकल जाए। और एक कढ़ाई ली है मैंने, उसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है और अब मैं इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। इसे लगातार चलाते हुए मैं रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ही अलसी अच्छे से रोस्ट हो जाती है। और 2 से 3 मिनट लगातार चलाने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाता है। आप जैसा देख सकते हैं, पहले ये थोड़ा लाइट कलर में था और धीरे धीरे ये थोड़ा डार्क हो गया है। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इससे चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो अलसी हमारी रोस्ट हो चुकी है और मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। और जैसे ही हमारी अलसी ठंडी हो जाएगी तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। जैसे कि सत्तू होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इसका बारीक पाउडर बना लेना है। और फिर इसे एक बर्तन में हमें निकाल लेना है। और अब हम इसे फिलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच नमक, या फिर स्वाद अनुसार 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियों को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इन सभी को हम इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही मैंने ली है लहसुन की पत्तियाँ। लहसुन की पत्तियों से भी पराठे में फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब लहसुन की पत्तियों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और धनिया पत्ता भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। साथ ही 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसे भी मैंने चॉप करके डाल दिया है, और आधा नींबू। इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे इसी फिलिंग में। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। चूँकि हमारी अलसी बहुत ही सूखी होती है तो सरसों के तेल से इसमें अच्छा एक वेटनेस आ जाता है। अभी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके लिए आटा तैयार कर लूँगी। आटा हमें बिल्कुल सॉफ्ट तैयार करना है, जैसे हम नॉर्मली रोटी या पराठे के लिए तैयार करते हैं। और ये देखिए, मैंने आटा तैयार कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार किया है। और अब इससे पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है एक बॉल के साइज़ का आटा और इसे अच्छे से गोल करके और इसे मैं कटोरी का शेप दे दूँगी। और उसके बाद इसमें मैं जो है सारी फिलिंग इसमें भर दूँगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही कटोरी का शेप दे देना है। और फिर इसमें जो फिलिंग है, इस स्टफिंग को मैं अच्छे से डालकर और इसे पूरी चारों तरफ से मैं इसको सील कर दूंगी ताकि कहीं से भी फिलिंग हमारी बाहर ना आ सके। और इसे थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से दबाते हुए हमें इसे हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। अगर आपकी स्टफिंग कहीं से बाहर भी आ जाए तो डोंट वरी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये स्टफिंग जो है वो आटे से बिल्कुल चिपक जाती है, सत्तू के पराठे जैसे इसमें बाहर नहीं आती है, तो इसीलिए हमें इसका पराठा सेकने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो ये देखिए, हमने इसे गोल बना लिया है पराठे के शेप का। और अब मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी चारों तरफ से, बराबर एक बराबर सेक लूँगी मैं इसे। और जब तक हमारा पराठा सिक रहा है तब तक यहाँ पर मैं एक और पराठा बेलकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसी तरह से मैं बिल्कुल उसमें इसे एक कटोरी का शेप दे दूँगी और फिर इसमें सारी स्टफिंग को डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से चारों तरफ से सील करके मैं इसे दबा दूँगी ताकि कहीं से भी स्टफिंग बाहर ना निकले। और फिर इसे हल्के हाथों से मैं गोल बेल लूँगी। इधर हमारा पराठा भी लगभग सिक कर तैयार है और अब मैं इसमें चारों तरफ से ऑयल लगा लूँगी, आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे से ऑयल लगा लूँगी। और अब ये पराठा हमारा देखिए कितने अच्छे से सुनहरा लाल रंग का हो चुका है। तो ये हमारा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। और फ्रेंड्स, मैं इसे हाईली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी है। और कैसी लगी ये रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की और भी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ ऐसी और एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।